नमस्कार, कार्यक्रम शशि सरोवर में आपकी स्वागत बा। बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर लेके आ गई। ऐसे नहीं कार्यक्रम में हमरे हमने की समाज की विकृति कैसे हटा सके के और हमने के जो है समाज में जे नरकी जीवन बिताए बाध्य बा हमरे ओके कैसे ओकर जो है पीड़ा बा कैसे मुक्त कर सके के और हमरे अपन जीवन कैसे सफल बना सके यह सब संबंध में हमारे एक कार्यक्रम में चर्चा कर जात। अति आज भी हमरे अतिथि के न्यौता धल गिल बा। आज हमारे लग अतिथि बाटी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पाँच नंबर प्रदेश सदस्य नीलम कुमारी यादव हमरे वहाँ से रह के आज बातचीत करे। तो कार्यक्रम में सबसे पहले आपकी स्वागत बा। धन्यवाद। अति वैसे आप एक पाँच नंबर प्रदेश की सदस्य रह गिल बा, इससे पहले आप का कल जते रहे? इससे पहले भी हम एक पार्टीगत हिसाब से ही हम लागल लाली संगठन क्रांतिकारी एक हमू महिला हुई। हम शुरू से ही महिला के हक अधिकार खातिर हम लागल रह गईली और हम संघीय समाजवादी फोरम पार्टी में भी लगली। हम जिला के सचिव होके काम कर चुकल बाटी। ओकरे बाद आज हम आके प्रदेश नंबर पाँच के प्रदेश सदस्य भी बाटी और हाल में हम यह प्रदेश के अपने पार्टी के महिला सह इंचार्ज भी रह के हम काम करत बाटी। हाँ, जिसे हमारे के समाज में का होला कि एक आदमी में छाप पड़ गया कि जिसे अब कोनो भी पार्टी कहल जा या जो हमारे के चुनावी एक माहौल रहला उस समय में हमारे के जो चाहे महिला चाहे पुरुष जे निमुख जनता बाटे जेकर आवाज बुलंद हो नहीं सकत बा। अब कोनो भी पार्टी के जो कार्यकर्ता रहने एटू हमन के गांव घर में का होला कि जो चुनावी माहौल में उतरत के उस सब के एक नारा दूसर रहला। जब उ सब सीट पाली यानी कि निर्वाचित हो जाइए तो उस सबके जो एक उद्देश्य से मुँह से निकल आवाज रहला जो हमन के जनता बाटे उस सबके मत की कदर हो नहीं सकला और साथ में जाके जब एक ये जगह में आल गिल बा क्षेत्र में लागल गिल बा प्रदेश सभा सदस्य में रह गिल बा ते आप कौन उद्देश्य लेके एमा आल गिल थे? हम यह पार्टी में आए के उद्देश्य हमारे यह हो कि जितना भी यह नेपाल के उत्पीड़ित महिला बाटी उन लोग के हक अधिकार के लिए हम कुछ अपन क्षमता अनुसार कुछ उन्हन पास के सहयोग कर सकी ए पार्टी के मार्फत कुछ उ लोग के हक अधिकार दे के उ लोग के भविष्य सुनिश्चित कर सके कहके हमार सबसे प्रथम लक्ष्य वह बा। ते ये जो आपके हमारे कहल सा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल वैसे आप एक कौन समुदाय के महिलान के विशेष फोकस कल जाती है समग्र जो हमारे के नेपाल में महिला बाटे कौन हिसाब से आगे बढ़ा गई बा? हम इन्हें समुदाय के महिला के हिसाब से नहीं कि हम संपूर्ण नेपाल में जितना भी उत्पीड़ित महिला बाटी उस सब के लिए हम काम करत बाटी और उ लोग के हम हक अधिकार दिला के भी रहब। हाँ, तो वैसे हमारे जो समाज में कोनो भी जात जाति के महिला बाटी उ सब कोनो भी उ सब मुसीबत अले में आपसे सहयोग मांग सकने? जी एकदम, हमसे कोनो भी समुदाय के महिला रहें कोनो भी जात के रहें उसे कोनो सरोकार नहीं बा। जात महत्वपूर्ण नहीं हो, महिला के पीड़ा एक हो। आज हमार हम महिला हुई हमार पीड़ा और नेपाल के जितना भी महिला बाटी जौने भी वर्ग के हों सबके पीड़ा एक हो और जौन भी महिला के उत्पीड़ित बाटिन अथवा सहयोग मांगे चाहत बाटिन तो हमसे मांग सकेलिन। एकदम निर्धक कोई के कोनो में संकोच माने की जरूरत नहीं बा। तो वैसे हमारे के जो समाज में तमाम प्रकार की विकृति विसंगति बा। अब वैसे हमारे कहा जाए कि एक बाल विवाह प्रथा भी रहे अभी तक कुछ बा कुछ अब पहले और आज के तुलना में तो हट गई बा। बाकी का अब हमन के समाज में जो एक महिला घरेलू हिंसा में पीड़ित रहने अब इसे हमारे कहा जाए कि जो दहेज प्रथा तो दहेज प्रथा जो एक बा खास हमन के दक्षिणी क्षेत्र से आयल गया हमन के एक प्रथा हो कुप्रथा हमारे कह सकल जी ते दहेज प्रथा के विषय में कुछ कह सकल जी? जी हमन के अक्सर कह के लगभग हमन के मधेश समुदाय में ये दहेज प्रथा काफ़ी मात्रा में बढ़त चल जाता बा। घटे के नाव नहीं लेता है, यहाँ घटे के दुनिया के
नियम कानून बनल बा, लेकिन फिर भी घटे के सिवाय बढ़त जात बा। हमें का लगल कि जैसे यहाँ शिक्षा में भी जैसे लैंगिक विभेद भी में हावी बा, हमन के जोन शिक्षित वर्ग के लोग बाटे उ लोग के का चाहें कि जोन आज के जोन मांग बा कि महिला पुरुष बराबर, छोरा र छोरी समान, उ दोनों के समान अगर हमन के मानल जाता तो उ लोग के शिक्षा दीक्षा में भी समान रूप से देवे के चाहें, और उ लोग के आगे बढ़ावे खातिर छोरा र छोरी बराबर कहके कौनो में बिना विभेद के आगे बढ़ावल जाए, शिक्षा दीक्षा बढ़िया देवल जाए, तो दहेज के हमें लगल जरूरी नहीं पड़ी। और दहेज अपन लड़की हमन के नहीं पढ़ा पावल जाता तब पढ़ल लड़का खोजल जाए तो हमन के दहेज देवे के जरूरी बा, बिना दहेज के तो नहीं करी है, इतना आगे हमन के अभी सोच नहीं आयल बा। तो वही से हम संपूर्ण जो मधेसी समुदाय के लोग बाटे उ लोग दाजू भाई सबसे हम यह निवेदन करल चाहत बाटी कि बेटा बेटी समान मानल जा, और बेटी की भी शिक्षा दीक्षा दीहल जा, एक योग्य बनावल जा, अपने पैर पर खड़ा हो लड़की, और केहू के आगे झुके ना पड़े, और अपन जिंदगी अपने पैर पर खड़ा होके वो निर्वाह कर सके। अगर ऐसा हो सकला तो हमन के लड़का खोजे ना जाए परी, लड़के खोजत पढ़ा लिखा लड़का हमन के घर द्वार में आ जाए, और वो अवस्था में हमन के लगल दहेज प्रथा कम हो जाए, ज्यादा मात्रा में कम हो जाए। तेमर की जो ना एक समाज में जो महिला लोग कहने की हमन के जो गोड़ ताने वाला पुरुष होने आगे बढ़े के नहीं बाटी थी, आपके विचार में कथी लगल थी? जी हमन के महिला जो आगे नहीं बढ़ पावत थी तो कुछ हद में तो का बा कि हमन के घरेलू हिंसा हावी बा, और सामाजिक जो विभेद बा वो अलग बा। तो घरेलू हिंसा में अब हमन के घर के लोग परिवार के लोग जैसे भैया महिला अब श्रीमान अपन सबके साथ अगर नहीं भेल तो महिला के लिए ज़्यादा समस्या आ जाला। तो महिला के आगे बढ़ावे खातिर ईमानदारी रूप से महिला भी एक अपन उ लोग के अधिकार बा, उ लोग कुछ करल चाहत बाटिन तो सहयोग कह के आगे बढ़ाएं कह के अपने परिवार के भी सोच हो चाहिए, और जब आगे परिवार बढ़ा दी हैं तो समाज ऑटोमेटिक आगे बढ़ाए कोशिश करी, समाज भी समर्थन दे, लेकिन जब परिवार ही नहीं समर्थन दे तो समाज भी वो एक्सेप्ट नहीं करी हैं। तो यही से ईमानदारी पूर्वक उनके हस्बैंड घर के परिवार सबके हो साथ के आवश्यकता बा, और साथ दिहल जब ही जैसे कौनो भी होला हमन के जैसे कहल जाला कि फलानी आगे बढ़ गईलिन, डिकानी आगे बढ़ गईलिन, ए मंत्री हो गईलिन, राष्ट्रपति हो गईलिन, आखिर काहे राष्ट्रपति मंत्री हो गईलिन? आज हमनों के महिला कौनो भी महिला राष्ट्रपति तो हो सकेला नहीं, प्रधानमंत्री तो हो सकेला नहीं, लेकिन ओकरे खातिर घर से ऊपर तक सपोर्ट चाहिए, और पहले सबसे प्रथम सपोर्ट तब फैमिली को होला। आगे बढ़ावल जब घर से आप निकालल जाए, आगे बढ़ावे क्योंकि उत्साह दिहल जाए, सहयोग कइल जाए, तब वो धीरे 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 आगे बढ़ी और वह स्तर तक पहुंच सकेले। तब यही से वो जरूरी भी बा, पारिवारिक सपोर्ट जरूरी बा, और जगह पहुंचने पर समाज के भी एक ठू सीख रही कि हमनों के अपन चिल्ड बेटी अपन बिटिया बहन आगे बढ़ावल जा, हम उनके सपोर्ट कर जा कहके ज़्यादा जने के सिख के रूप में आगे आई, और हमन के जितना भी पिछड़ा वर्ग के समाज बा ओके आगे लैले में हमें लगला ये तरीका बेटर बा। और जब तक पुरुष प्रधान सोच जोन बा महिला के दबाए वाला कि महिला ऑटोमेटिक पुरुष के मन में कह रहे हैं महिला कुछ नहीं कर सकी है, महिलान के कितना बुद्धि होला है जगह लाएंगे। जैसे देखल जाए आप टिकट वितरण में, चुनावी पीरियड में टिकट वितरण में भी
महिला के मतलब ज्यादा जैसे टिकट देवे के लोग यहाँ नहीं राजी रहना तो ये कंसेप्ट पुरुष में कहाँ बैठ गई बा महिला कुछ नहीं कह सकी ना महिला कहाँ दौड़ धूप गई हैं महिला कहाँ कुछ नहीं कह पाई हैं तब ये सोच हमें अलग अलग गलत हो और ऐसा सोच नहीं रखे चाहिए महिला के आगे बढ़ाए खातिर पुरुष के अपन सोच परिवर्तन करे पड़ी और वही परिवर्तन सोच के अगर आयल तो उस सोच से महिला आगे बढ़ सकेली और अब आज विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति हो सकेली तब नेपाल के कोनो भी महिला राष्ट्रपति हो सकेली प्रधानमंत्री भी हो सकेली अधिवेशन मन के समाज में जो महिला बाटे वो सबके आगे बढ़ाए के खातिर क्षमता अभिवृद्धि के खातिर तमाने संस्था लागल बाटे बाकी कई छोट ना भर के जिसे अब हमने समाज में देखा तमाने संस्था कार्यरत बाटे बाकी कई छोट वैसे हमारे देखा जाए कि वहाँ से निकल जो बजट रहला संबंधित निकाय सक ना पुग के बीच में हेरा जला कि मतलब एटू बजट पचाना ना भर होत बा ते आपके विचार में जो महिला बाटे ओखन के खातिर का कैसन कार्यक्रम करे के आवश्यक बा और हमन के कैसन कार्यक्रम लेने पर महिला आगे बढ़ सकने जिस महिला के आगे बढ़ाए खातिर तो सबसे पहले राजनीतिक हिसाब से जाइल जाता है महिला के सबसे पहले तो नीति निर्माण तो हमें ले आए पड़ल नीचे से ऊपर स्थानीय से लेके केंद्र तक के नीति निर्माण तो हमें सहभागी कराए पड़ल और आज जो हमन के संविधान में महिला के हक अधिकार के बात कहल जा तो 50% के मांग बा फिर भी 50% ना दहले बा संविधान में तो हमन के 33% अधिकार मिलल बा फिर भी वो 33% अधिकार लेवे खातिर हमन के महिला के प्रत्यक्ष रूप में जो टिकट वितरण नहीं कही गई महिला टिकट नहीं दिहल गई तो इनडायरेक्ट रूप में का कही गई बा समानुपातिक के हिसाब से वहाँ समावेश कराए के कोशिश कही गई बा तो समावेशी जो कही गई 33% महिला समानुपातिक के हिसाब से तो जो का बा वहाँ हमें लगला कि जहाँ जौन महिला के क्षमता बा जौन महिला कुछ नीति निर्माण कह सकी हैं कहके एठू पढ़ल लिखल महिला योग्य महिला वहाँ तक नहीं पहुँच पावत थी और फिर महिला के का भेल बा 33% सिर्फ सहभागी करौले के नाते वहाँ भी पुरुष हावी बा पुरुष प्रधान जो सोच बा वहाँ भी हावी बा नीचे से लेके ऊपर तक तो वहाँ नीति निर्माण में भी महिला के कहीं ना कहीं वहाँ सुनवाई ना आई बा जोन महिला के हक जोन महिला के पीड़ा बा महिला अपने महिलान खरतीन नेपाल के उत्पीड़ित महिलान खरतीन जोन नीति निर्माण करे चाहे वो बूंदा में आवाज ना उठा पावा थी उठावत भी बाटिन तो संख्या कम पड़ जाता और वहाँ दबा दिहल जाता उनकी आवाज तो यही से अब महिला के लिए समस्या भी बा तो ये महिला के शिक्षा दीक्षा दे के महिला के ये पुरुष प्रधान सोच परिवर्तन कह के उन लोग के आगे बढ़ाए पड़ल और नीचे से लेके स्थानीय तह से लेके केंद्र तक नीति निर्माण तह में बराबर के ही समानता करे पड़ल जैसे 50-50 तब जाके हमें लगा ला संभव हो सका ला तो इस हमारे समाज में देखा जाए कि हमारे जो महिला पीछे बांट के हमारे कहा जाते सुन जाते और बुझल भी जाते बाकी कितना जगह में देखा जाती है महिला पुरुष के दबेल बांटे अते अब उस सबके खातिर कुछ संदेश देख साल जी जो उनकी कितना समुदाय में बा कितना जगह में बा हमारे देखा जी अते पुरुष भी पीड़ित बांटे हाँ ऐसा तो होत बा जैसे जहाँ ज़्यादा मात्रा में अच्छा ही रहा वहाँ कुछ बुराई भी छुपल रहा ऐसा बात नहीं बा 100% सब चीज़ बढ़िया नहीं हो सकला उन्हें 1-2% कहीं कमी कमजोरी भी हो सकला तो अपवाद के रूप में कहीं कहीं सुने मिला ला तो अब वो महिला अब वहाँ देख लें तो ये लगा ला कि मतलब ये पुरुष के दोष नहीं बा महिला के टोटल दोष बा लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकला कुछ न कुछ तो दोष तो पुरुष के हुए ना तो सीधे महिला के दोष वहाँ दिखाई ले के तो आखिर
वहाँ ऐसा बातों ना तो सृजना भइल हुई कि महिला के दोष वहाँ दिखाई दिलस नहीं तो ऐसे पागल कुकुर जैसा तो नहीं महिला भाव भाव करी है वैसे तब ऐसा बा ये सोच के हमें लगा आवश्यकता बा और हाँ महिला पुरुष के अधिकार जो संविधानिक रूप में मिलल बा 33% वो भी लगला वहाँ जो लिखित बा लेकिन कार्यान्वयन में नहीं बा कौनो भी पक्ष में कार्यान्वयन में नहीं बा और के कार्यान्वयन होवे चाहिए। हाँ तो ये जो संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के हिसाब से जो हमन की दहेज प्रथा बा तो एक निर्मूल करे खातिर का कैसन नीति नियम आप सब कुछ कह दी अभी दहेज निर्मूल खातिर हमन के लगभग नियम नीति तो बटले बा कार्यान्वयन में नहीं बा कार्यान्वयन में नहीं बा। अब हम यह कहल चाहत बाटी कि जिससे अब जोन भी महिला अभिन तक नीति निर्माण तो हमें पहुँचल बाटी और फिर हमन के संगे समाजवादी फोरम पार्टी भी सरकार में बा तब ये जो दहेज प्रथा बा एक के बिल्कुल बंद करे पड़ल और जो कार्यवाही के नियम नीति बना गई बा ओके कार्यान्वयन में लावे पड़ल। हाँ तो वैसे हमने के हाल कि कार्रवाई हमने के करे परी करे चाहे के बकिन का यदि उस जगह में आप फिर हाल जैसे दहेज कोनो दिन लेक पड़ल ती अवस्था में आप का कर जी नहीं ये दहेज के तो हम बिल्कुल खिलाफ बाटी दहेज भ्रष्टाचार ये घूस ये सब के तो हम बिल्कुल खिलाफ बाटी रह गए दहेज हमन के समाज में जो पर्याप्त मात्रा में देखल जाला ये लेन देन वाला तो एका एक तो ये भइल ना कि लड़की हम लड़का बेचत बाटी अगर लड़का बेचत बाटी तो फिर लड़की ले गए के बाद लड़की दुख का है तो ओके तो बढ़िया से ओके रखे चाहिए ओकर कहल माने चाहिए कहल जाते ये भइल ना लेकिन वास्तव में गलत हो। हाँ लड़का देत बाटी तो लड़की पावत बाटी लड़की देत बाटी तो लड़का पावत बाटी ई भावना होवे चाहिए और दहेज हमें हमारो मतलब अगर हमें लेवे पड़ल तो हम दहेज नहीं लेब लेब। हाँ हम दहेज के हमन के जो लड़की पढ़ लिख के आई वह सबसे बड़ा दहेज हो पढ़ल लिखल लड़की सबसे बड़ा दहेज हो बाप महतारी पढ़ा लिखा दें उससे बड़ा कौनो हमें नहीं लगा ला कि दहेज चाहिए। अब यह कहा कि जितना भी दहेज अभी तक सब लेत आयल बा बिल्कुल दहेज ना लिहल जा और लड़की का अपन पढ़ल लिखल बना के योग्य बनावल जा और जेकरे घर में जा ओकर भविष्य उज्जवल करे अपन जिंदगी बढ़िया से निर्वाह करे इतने हो। हाँ तो अंतिम में जो हमने के समाज में एकदम हमारे कहा जाते दहेज से हमारे के निर्दोष जो महिला बाटी पीड़ित बाटी ते उस सब जो पीड़ित बाटी और जी पीड़ा देत बा ओखन के खातिर कोनो संदेश देख सहल जी कि जो एक दहेज के हिसाब से अब कितना हमारे देखा जाए कि आजकल के हमन के समुदाय में समाज में देखा जा गाँव घर में देखा जा अब हमन के पहले एस एल सी पास करके 18 आजकल देखा जाए हमारे डिग्री तक पढ़ल हमन के बहन बिटिया बाटी हमन के समुदाय में हमन के समाज में बकिन का वह सब उतना पढ़ के भी अपने के जब शादी के समय में बिना पैसा के ओखन के शादी नहीं होला ते जे एकदम पैसे के खातिर मरत बा ओखन के खातिर का कह सहल जी जी से हमन के समाज में महिला उत्पीड़ित बाटिन दहेज प्रथा बा उ ज्यादा हावी होवेले के नाते ज्यादा महिला उत्पीड़ित में बाटिन तो उ उत्पीड़न से निकरे खातिन हम यह जो उत्पीड़न देत बाटे वो भाई लोग से हम यह कहल चत बाटी कि आप लोग आज पीड़ा दिहल जाए तो पत्नी के मतलब तो हो एक जीवन साथी जिंदगी निर्वाह करे वाला आज पीड़ा दिहल जाए तब आप सुख से कैसे रह पावल जाए तो एक एक रथ के दो पहिया हो ना एक पहिया बिगड़ गई तो दूसर का रथ तो चल ही नहीं पाई ना एक के पहिया से नहीं चली दोनों पहिया चाहिए तब एक आपसी समझदारी से
एक दूसरे के सम्मान, जब तक आप दूसरे के सम्मान नहीं दिली तो आप खुद सम्मान नहीं पाओ जी। सम्मान पावे खातिर सम्मान देवे के पड़ला, तो आज महिला के सम्मान दिहल जाए तो पुरुष ऑटोमेटिक आप लोग सम्मान पावल जाए, सम्मान दिहल जाए, एक अर्कक सम्मान देहल जरूरी बा। और ये जो सुनने में ये भी आवल जला, हमके देखल भी गईल गेल कितना घटना कि महिला के मट्टी तेल जला के दहेज न देले परे घरे ले जाके दहेज मांग अपने बाप से, नहीं तो के जरा के मार दीजिए, धमकी भी सुनाला, जरा के मारल भी सुनाला, फांसी लगा देने मार के, घर से निकाल देने, अब तो किनाई रखा कह के। तो ये कुल जो विकृति बा समाज के, ये कुल बहुत बड़ा घातक बा समाज के लिए, देश के लिए ही घातक बा। तो ये लोग के जौन बा ठीक बा, जे पढ़ल लिखल नहीं बा वो लोग करता, तब जे पढ़ल लिखल बा वो लोग वहाँ जाके एठू चेतना फैलावे, समझावे सबके, और चेतना मूलक एठू कार्यक्रम भी रख के गांव घर में ओसन समाज में जाके चेतना मूलक कार्यक्रम रख के महिला पुरुष दोनों के रख के एठू चेतना फैला सकल जाला, चेतना जगा सकल जाला, ओ हिसाब से भी कुछ सुधार हो सकला। अब एक बैग तो कोनो चीज निर्मूल तो नहीं हुई, ओके धीरे धीरे परसेंटेज कुछ परसेंटेज घटावत 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 एक दिन निर्मूल हो सकला। ओकन के मानसिकता चेंज करे के आवश्यकता बा, मानसिकता चेंज करे के आवश्यकता बा। जब तक मानसिकता चेंज नहीं हुई तब तक हमें लगला समाज की विकृति हट नहीं सकी, सामाजिक विकृति जोन बा हमन के देश के लिए घातक बा, समाज के लिए घातक बा, समुदाय के लिए घातक बा, एक तो हटाए एक जरूरी बा। हाँ, तो वैसे आप कार्यक्रम में साथ दल के लेकर कहती ने आपके हृदय से धन्यवाद दे चाहत बा, धन्यवाद। हाँ, वैसे हमरे इतना गरी बातचीत कल गिल संघीय समाजवादी फ्रॉम नेपाल के पांचवें प्रदेश सदस्य नीलम कुमारी यादव से, ते वैसे हमरे बातचीत करते विद्यालय से में हो गिल बात, आप देखल गिल बुद्धिस्ट सामुदायिक टेलीविजन, ऐसे आपके भी हृदय से धन्यवाद। ऐसे फिर हमन के आज के अतिथि वहाँ की भी धन्यवाद, ऐसे हमारे की कैमरा पर्सन वहाँ के भी फिर से धन्यवाद। और आप देखते रह जी बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन, ऐसे फिर हमरे हमन के समाज में जो विकृति बा हमन के युवा लोगन के हटाए कर्तव्य हो, हमरे अपने आप की सोचल जा और हमन के समाज की विकृति हटाल जा। यह कहत हम संचालक राज जी आपसे विदा होती, नमस्ते।